नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य खबर। मैं हूं आपके साथ कंचन भारती और इस वक्त हम मौजूद हैं पानीपत के इंसार बाजार में। किसानों द्वारा पिछले काफ़ी समय से 27 को भारत बंद का ऐलान किया जा रहा था। लोगों से आह्वान किया गया कि 27 तारीख को किसानों के साथ खड़े रहें, भारत बंद करें, दुकानें बंद करें। और हम बाजारों में निकले हैं, सड़कों पर निकले हैं ये जानने के लिए कि आखिर इस भारत बंद का असर पानीपत शहर में कितना है, लोगों में कितना है, क्या लोग उनके साथ हैं या ये असर कितना दिखाई देगा। एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। ऐसा लग रहा है मानो भारत बंद का असर पानीपत के बाज़ारों में तो हमें नहीं दिखाई दे रहा। आवागमन वैसा ही है, लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं, लोग अपनी दुकानों को खोल कर बैठे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। बेशक सरकार ने रोडवेज़ की बसें बंद कर दी हैं, ट्रेन बंद हो गई हैं, लेकिन बावजूद उसके जो बाज़ार हैं वो वैसे के वैसे खुले हैं। रौनक दिखाई देगी लोगों को आते जाते, आप देख रहे होंगे। यहाँ मौजूद लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर इस भारत बंद को लेकर उनका क्या कहना है, उनका क्या सोचना है। आपकी भी यहाँ दुकान है? दुकान खोल रखी है आपने? अभी खोल लेंगे। अच्छा, किसान पिछले 10 महीनों से सड़कों पर बैठे हैं, बॉर्डर पर बैठे हैं, सरकार अपने फैसले पर अड़ी हुई है। आपकी जो पर्सनल सोच है, राय है, क्या लगता है, सरकार सही है या किसान? किसान ठीक है। फिर अगर किसान सही है, आप किसान के साथ हैं, तो आज किसान के भारत बंद में उसका साथ क्यों नहीं? ये तो फिर मार्केट देखा देखी खुलेगी ना, एक खुलेगी तो दूसरी खुलेगी तो तीसरी खुलेगी, आप समझदार हो। फिर आप चलिए, आप किसान के साथ है, किसान ठीक है। ये बताइए, सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि किसान सही है, क्या सरकार को उनकी मांगे मान लेनी चाहिए? 100% मान लीजिए। किसान अपने लिए तो कह नहीं रहे, सारों के लिए कह रहे, हमारे लिए कह रहे, आपके लिए कह रहे हैं। किसान तो हमारा ही साथ दे रहे हैं ना, सरकार को माननी चाहिए। क्या लगता है, अगर थोड़े टाइम बाद मान लीजिए कि कुछ किसान आपके पास आकर आपसे निवेदन करते हैं कि दुकान बंद कर दीजिए, हमारा साथ दीजिए, तो क्या करेंगे? हाँ, हम उनके साथ हैं, ऐसी बात नहीं है जी। अगर सारी बंद होगी तो जरूर बंद करेंगे। कह रहे हैं देखा देखी खुल रही है, किसान आएंगे, बातचीत करेंगे, अगर कहेंगे तो ज़रूर बंद कर दी जाएगी। और भी यहाँ लोग जो मौजूद हैं और दुकानदार हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है, वो कितना साथ देना चाहते हैं किसानों का, या इस भारत बंद को लेकर आगे क्या होने वाला है। कुछ टाइम बाद दुकानें बंद होंगी, खुलेगी, या इस तरह से ही बाजार में जो रौनक है वो लगातार आपको दिखाई देगी। और भी जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। आपकी भी दुकान है यहाँ पर? खुली हुई है। खोल रखी है आपने? बिल्कुल। आज किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया था, तो बंद तो कुछ भी नहीं है। आपके नजरिए से किसान सही है या सरकार, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। एक आम नागरिक के नाते आप 10 महीने से देख रहे हैं, खबरें देख रहे होंगे, कोई और पार्टी भी हैं। हम बात कर रहे हैं उनकी मांग की, बेशक बीच में किसान मौजूद है या और आदमी मौजूद है। अगर किसान मान लीजिए थोड़ी देर बाद आपके पास आते हैं कि हमारा साथ दीजिए, दुकान बंद कीजिए, तो क्या करें? अगर बाजार का आएगा प्रधान तो करेंगे, ऐसे नहीं कहना है। अगर प्रधान का आदेश होगा तो ज़रूर बंद की जाएगी, लेकिन अभी तक जो बाज़ार में चहल पहल है, रौनक है, वो आपको दिखाई दे रही होगी। और भी जो दुकानदार हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं क्या लगता है, आज जो भारत बंद का ऐलान था, किसान सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? देखो जी, भारत बंद का ऐलान तो वो ठीक है, और पर इसमें सारे राजनीतिक दल के है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, बस ये सारे राजनीतिक खेल है और कुछ नहीं, बस मेरा तो यही कहना है। और जहाँ तक रही बाजार के सवाल, बाजार देखो जी, वैसे एक काफ़ी मंदे के कारण झेल रहा है बाजार, और आज भारत बंद के ऐलान रहा है तो बंदी है लगभग सारे बाजार। देखो अभी थोड़े से बंदी है, थोड़ा सा आपने तो खोल रखा है ना? नहीं, मेरा सब बंद हुआ अभी। अच्छा, एक चीज बताइए, सुबह 6 बजे से 4 बजे तक का जो समय रखा गया था किसानों के द्वारा, तो आप जब से दुकान खोलकर बैठे हैं सुबह से, अगर क्या कोई किसान संगठन आया आपसे आह्वान करने, या किसी तरह की अशांति हुई हो या कुछ हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो कोई किसान के यहाँ तक कोई बिल्कुल भी नामो निशान भी नहीं है, बिल्कुल। यहाँ पर सवेरे से हम तक अभी तक आए हैं, बस देखे वही मार्केट जैसे खोलेंगे हम भी दुकान खोल लेंगे। जैसे कि मेरा शॉप ये है, इधर दिखाओ, जैसे कि मेरा शॉप ये है, अभी तक मैंने बंद रख रखा है। मतलब अभी जो 50% अंदर से आप खुद हैं वो बंद है, किसान के साथ अगर सभी खुल जाएंगे तो खोल लेंगे। बिल्कुल। कल पानीपत में महापंचायत की गई, किसानों ने आह्वान किया कि उनका साथ जरूर दे, लेकिन जो ये कल की महापंचायत का असर है, ये भारत बंद का असर है, ये अभी फिलहाल फीका पड़ता दिखाई दे रहा है। असर बेअसर है, आगे क्या होगा? कुछ टाइम बाद दुकानों की जो रौनक है, वो बाजार की जो रौनक है, वो बंद होगी या रौनक और भी बढ़ती जाएगी, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। कैमरा पर्सन आदिल के साथ मैं कंचन भारती, सत्य खबर। आप देख रहे हैं सत्य खबर।
सत्य सटीक बेबाक।